हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफाइड। आज हम आपको मार्च के टॉप 5 गेम्स के रिव्यू देने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पहले 5वें नंबर पे है मेटल सोल्जर 2, हम इसे खेलेंगे। देखिए, ये गेम थोड़ा सा मेटल स्लग की तरह दिख रहा है, जिसमें ग्रेनाइट गन आज हमको ऑप्शन दिख रहा है, और इधर उधर जाना, ऊपर नीचे आप इसमें चल सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अपने दुश्मनों को मारना होता है जो कहीं से भी आते हैं। देखिए, जंप करके वो आर्मी आ रहे हैं, देखिए एनिमीज आ रहे हैं आपके, हमें आपको मारना होता है इस जंप में। आप देख सकते हैं कैसे कहीं से भी आ रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं से भी गोलियां चल रही है इसमें, तो आपको इन सबको मारना होता है इसमें। ये गेम कुछ ऐसा ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये गेम। खास बात इसमें यह है कि ये गेम बहुत छोटा है और बड़ा अच्छा बनाया है इस गेम को। देखिए ऊपर से कैसे पैराशूट से एनिमीज आते हैं इसमें। मेरे पास एक लाइफ बची थी, मैं आ गया वापस। तो इसी तरह आप इस गेम को खेल सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है बाइक क्लब। चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। ये गेम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें साइकिल्स है, हमें कुछ करना होगा। थोड़ा टाइम ले रहा है गेम चालू होने में। बाइक क्लब एट बिग व्हील्स, बहुत अच्छा गेम लग रहा है ये तो। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, इसमें बाइक होगा, बाइसाइकिल है इसमें, जिसमें पीछे की व्हील्स मेटल की है और सामने की व्हील्स में ट्यूब लगे हुए हैं, ट्यूब टायर है। तो देखिए, इसमें आपको करना ये है, ट्यूब जो ट्यूब के टायर्स हैं उसे आपको टच नहीं होने देना है। नीचे देखिए पंचर लगे हुए हैं, जिसमें वो पंचर हो जाता है उसका टायर, तो इसलिए आपको मेटल के टायर से चलाना है। देखिए, ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको शूट भी करना होगा। देखिए, गन से आपको इसे शूट भी करना है। ये देखिए, आपको पॉइंट्स दिखा रहे हैं वहाँ पे, इसे शूट करना है। देखिए कैसे मैंने शूट किया। तो इस तरह आप इस गेम को खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक साइकिल चलाना है और साथ में शूट भी करना है और उसे बैलेंस भी करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसे क्रिएट किया। इसी की तरह इसी के साथ गेम खत्म होता है, बाइक क्लब। अब हमारे तीसरे नंबर पे है टू मैनी डेंजरस। टू मैनी डेंजरस भी बहुत अच्छा गेम लग रहा है, चालू हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए, ये गेम थोड़ा बहुत मुझे टेंपल रन की तरह लग रहा है, जिसमें हमें एक वन मानुस को या अर्ली मैन को दौड़ाना पड़ रहा है, जिसके पीछे एक डायनासोर भाग रहा है पकड़ने के लिए, जैसे खाने के लिए। तो देखिए, दो रास्ते भी है इसमें, इसमें दौड़ना है, जंप करना है। देखिए, डबल क्लिक करने पे हाई जंप लगा रहा है ये, थोड़ा बहुत टेंपल रन की तरह है ये गेम। देखिए, इसमें भी स्लाइड का ऑप्शन है, स्लाइड करके आप नीचे जाना है। तो बस थोड़ा सा कैरेक्टर्स चेंजेस है, बाद बाकी टेंपल रन की तरह दिख रहा है बस। इसमें डायनासोर्स और एक अर्ली मैन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें भी कई पॉइंट्स हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं। डायनासोर के ऊपर से मैं आया, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। देखिए, डायनासोर ने मुझे पकड़ लिया इसी तरह, और ये रहे मेरे पॉइंट्स जो कैलकुलेट हो रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा गेम है टाइम पास के लिए। अब दूसरे नंबर पे है पिजन मिल। तो देखिए, ये कैसा गेम होता है। ये मेरे गूगल प्ले अकाउंट से कनेक्ट हुआ है। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, ये कुछ पजल की तरह है, जिसमें आपको अपने पिजन को बढ़ाना है। रन करते करते देखिए, हमें उस पजल के अंदर ही अंदर से उस मेल बॉक्स तक उसको लेके जाना होगा। तो देखिए,
उसे हमें रास्ता बताना है। देखिए यहाँ मैं आके फंस गया, अब तो मुझे जंप करना होगा। सॉरी, देखिए मैंने जंप किया, वॉल को क्रॉस किया, अब वापस मैं लेफ्ट लूँगा स्ट्रेट। तो देखिए जल्दी मैं मेल तक पहुँच चुका। तो ये इसी के साथ ये गेम मैंने क्लियर कर लिया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है मार्च का, इसे हमने टॉप 2 में रखा है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार और खेलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है पिजन मेल, इसमें आपको पजल के अंदर ही अंदर से मेल तक पहुंचाना पड़ता है पिजन को। नंबर 1 पे है स्क्रीम हीरो, ये मेरा फेवरेट गेम है, क्योंकि इस गेम में इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें आपको अपनी वॉइस के साथ इस गेम को खेलना पड़ता है। मतलब इसमें आपको ना अपने उंगलियों का यूज़ करना है ना अपने हाथ का यूज़ करना है, इसमें आपको अपनी वॉइस का यूज़ करके इस गेम को खेलना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेवल 1 पे खेलेंगे अपन। देखिए जैसे ही मैं इसमें चिल्लाऊँगा हे, तो ये चल रहा है, फिर चिल्लाऊँगा हे, तो देखिए धीरे से, तो आप जीत, आप इससे अपनी वॉइस से इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये गेम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसे खेलने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और शायद हो भी सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको पागल समझे। तो इस गेम को आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा गेम है, इसमें आप अपनी वॉइस के साथ छोटे से कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। देखिए तो इस गेम में आप देख सकते हैं कैसे आप अपनी वॉइस के साथ इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए फाइनली मैं पहुंच गया फिनिश लाइन पे, और इसी के साथ मेरा लेवल 1 कंप्लीट।